अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नवा लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूग्लेनाइड्स के बारे में। यूग्लेनाइड्स और इसके अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे यूग्लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका हैबिटेट, ये कहां पे पाए जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर दो किस्म के होते हैं, एक बहते हुए, दूसरा ठहरा हुआ रुका हुआ वाटर होते हैं। और ये रुके हुए वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए स्टैग्नेंट वाटर, जो वाटर बॉडी रेस्ट पोजिशन में होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो सेल वॉल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, एब्सेंट होता है सेल वॉल, यहां पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन इस सेल वॉल की जगह पे यहां पे एक प्रोटीन लेयर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल। अब मैं इसको आप बना के यहां पे दिखाता हूं। ये सपोज हमारे एक यूग्लेनाइड्स है, मेनली यूग्लेना है। यहां पे इसका, इसको क्या कहते हैं, गलट। और यहां पे दो तरह के फ्लैजिला प्रेजेंस होते हैं, एक स्मॉल होता है, दूसरा क्या होते हैं, लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं, ये बायफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, अब इसके बॉडी के बाहर इस तरह से एक प्रोटीनिशियस क्या होते हैं, लेयर होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। और सेल वॉल यहां पे क्या होते हैं, ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं। और इस लेयर को कहते हैं पेलिकल। और ये पेलिकल किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। और ये प्रोटीन्स यहां पे क्या देते हैं इसको, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स का बना होता है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। और ये यूकैरियोटिक है, तो यहां पे इसका न्यूक्लियस है। सपोज ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी है, जब लाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और साथ ही साथ यहां पे कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं, इन वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मेनली यहां पे काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। आयन्स कंसंट्रेशन को क्या रखता है, ये बैलेंस रखता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद थर्ड पॉइंट्स, यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला क्या होते हैं, टू इन नंबर होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अन इक्वल होते हैं। अब जो यहां पे देखो, दो किस्म के फ्लैजिला है, एक लॉन्ग है, दूसरा क्या है, शॉर्ट है। जो लॉन्ग फ्लैजिला है इसका फंक्शन लोकोमोशन में काम आता है। ठीक है, दूसरा ये शॉर्ट फ्लैजिला, इसका फंक्शन अभी अननोन है, लेकिन कुछ बुक में ये मेंशन किया गया है, इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। तो यहां पे मैं लिखता हूं, इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। ये फूड को इनटेक करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब यूग्लेनोफाइट्स जो है, या यूग्लेना जो है, जो बिलोंग करते हैं यूग्लेनाइट से या यूग्लेनोफाइट्स से, इसके अंदर यूग्लेना जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर शो करते हैं प्लांट्स का भी और साथ ही साथ एनिमल का भी, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं। यूग्लेनाइड इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। व्हाई, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो हायर प्लांट्स में होते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स, एक तो क्लोरोफिल ए होता है, और हायर प्लांट की तरह यहां से यहां पे क्लोरोफिल बी भी होते हैं। ठीक है, और एनिमल
क्या कैरेक्टर ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहां पे सेलवाल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेलवाल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस के थ्रू, इस तरह से दो बनते हैं फिर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द यूबिलिना। अब देखो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है ये दो तरीके होते हैं, इन लाइट जब प्रेजेंट होता है उस टाइम पे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर यहां पे लाइट एब्सेंट है, लाइट जब एब्सेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और हिटरोट्रॉपिक में भी ये क्या करते हैं, प्रीडेटर का काम करते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, प्रे करते हैं। और इसीलिए इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ आए यहां तक। अब देखो इसके बाद, अभी तक हमने डिस्कस किया फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, जिसमें हमने देखा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। तो आप हम इनका कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफाइट्स, इसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट्स और थर्ड जो है हमारे पास यूग्लिनोइड्स। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम इनका हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट ये क्या होते हैं, एक तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर, और दूसरा मैरीन। ये सिर्फ कहां पे पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में, और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ठीक है, दूसरा यहां पे सेलवाल, क्या सभी में सेलवाल प्रेजेंट होते हैं, यहां पे सेलवाल प्रेजेंट होता है, और वो किसका बना होता है, सेल्यूलोस प्लस सिलिका का। ठीक है, यहां पे भी सेलवाल प्रेजेंट होता है लेकिन वो किसका बना होता है, सेल्यूलोस का। यहां पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सेलवाल की जगह पे एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, क्या यहां पे फ्लेजिला सभी में प्रेजेंस होता है, फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। यहां पे फ्लेजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, और टू इन नंबर होते हैं, दो फ्लेजिला होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, एक ट्रांसवर दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यहां पे भी फ्लेजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये फ्लेजिला क्या होते हैं, एपिकल होते हैं, ग्लट्स जहां से ओपन होता है। ठीक है, अब यहां पे ये फ्लेजिला क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, एक लार्ज होते हैं दूसरा स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो है यहां पे स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखो यहां पे ल्यूकोसीन, सॉरी ल्यूकोसीन के फॉर्म में स्टोर करते हैं क्राइसोफाइट्स, और डाइनोफ्लेजिलेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, जो प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो फूड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल में फूड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। ठीक है, एंड मसल सेल्स। इसी तरह से यहां पे यूग्लिनोइड्स में फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, पैरा एमाइलम स्टार्च, ये भी एक टाइप्स का स्टार्च है, इस फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्लैम मॉथ। थैंक यू वेरी मच।